हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्लच का यूज़ लेते हैं हम और गियर शिफ्टिंग करते हैं। आपको व्यू आ रहा होगा गियर का प्रॉपर और मेरा फुट मूवमेंट आप देख सकते हैं। क्लच का यूज़ कैसे हम करेंगे, स्पेशली जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं सिटी में या फिर थोड़ी सी कंजस्टेड लोकेशन में, तो उस जगह में हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो क्लच का यूज़ है या आप कह सकते हैं हमारे जो फुट मूवमेंट है उसको हम कैसे यूज़ लेंगे और किस तरह से हमें कार को ड्राइव करना है। ये सिटी में हम ड्राइव करेंगे और बहुत जगह ऐसी होगी जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो सकता है या स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, तो वहाँ पे आप मेरा फुट मूवमेंट नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से हम ड्राइव करेंगे और किस तरह से अपनी कार को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक ऐसी लोकेशन पर हूँ मैं जहाँ से टू वे लेन आ रही है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है। सामने से बोथ वे ट्रैफिक है तो कुछ भी आ सकता है और हमें किस तरह से कंट्रोल करना है। अभी आपने देखा था कि दो जन जब क्रॉस कर रहे थे तो हमें टर्निंग के समय वो क्रॉस कर रहे थे, तो हमें ध्यान रखना होता है जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं और हम रोड पे जब अपना अलर्ट रखते हैं अपने आप को कि किस तरह से हमारी कार जब मूव हो रही हुए तो हमारी मूवमेंट में हमें कंट्रोल में अपने स्टेयरिंग का कंट्रोल या फुट मूवमेंट का कंट्रोल किस तरह से हम अपनी कार को निकालेंगे कहीं भी लोकेशन से, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। और कितनी कौन सी लोकेशन में कितनी स्पीड में रखनी है उस पर भी हमें प्रॉपर व्यू रखना होगा किस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं या हम कितनी स्पीड में अपनी कार को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे मैं 40 की स्पीड में हूँ, मेरे कार में RPM जो है 2000 के अप्रॉक्स है और हम कार जब आगे चलाते हैं तो हमें इस चीज़ का अलर्ट रखना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है किस तरफ से कौन सी चीज़ आ रही है या कोई भी टर्न ले रहा है या फिर आप कह सकते हैं जैसे ये कार आ रही है तो ये कितनी डिस्टेंस में है और मुझे राइट लेफ्ट का जजमेंट भी करना ज़रूरी है। तो उस तरह से हमें कार को ड्राइव करना होता है फ्रेंड्स। जैसे ये वीडियो क्लच की मूवमेंट में है और साथ ही साथ फुट मूवमेंट की है, तो हम कम्प्लीटली इसमें ये मूवमेंट का ही ध्यान रखेंगे और आप नोटिस करते रहिएगा जैसी सिचुएशन अराइज होगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आगे चल के ये जो ट्रैफिक अराइज होगा, मे बी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया, उस लोकेशन पर हम ड्राइव करेंगे फ्रेंड्स, वहाँ जब हम कार लेके जाएंगे वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से कैसे ड्राइव करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हो सकता है हमें ट्रैफिक मिले थोड़ी सी कार में या फिर आप कह सकते हैं मतलब कार में इन द सेंस यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिल सकता है फ्रेंड्स, जिसमें हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलें या फिर आप थोड़ा कंजस्टेड लोकेशन मिलेगी, मार्केट प्लेस जैसी लोकेशन मिलेगी और हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राइव करेंगे फ्रेंड्स। और आप मेरा क्लच का मूवमेंट देखिएगा, अभी देखिए फर्स्ट गियर लगाना पड़ा मेरे को, कार की स्पीड जो है 10 से भी कम आ गई थी तो मेरे को फर्स्ट गियर में पुल करनी पड़ी कार अपनी, फिर सेकेंड गियर लगाया हूँ, वापस से हमें फर्स्ट गियर लगाना पड़ सकता है अगर और स्लो होगी कार, तो हो गई है अभी टर्न 10 से भी नीचे तो फिर से फर्स्ट गियर में अप्लाई करना पड़ा हमें और अपनी कार को मूव अकॉर्डिंगली करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट का भी जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए टू वे लेन है और बोथ वे लेन में यही तरह होता है फ्रेंड्स, जब ड्राइव कर रहे होते हैं हम बोथ वे लेफ्ट और राइट का जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आपने देखा जैसे किस तरह से लेफ्ट में लोग चल रहे हैं और हमें लेफ्ट का जजमेंट चाहिए होता है क्योंकि सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उनके लिए भी स्पेस हमें छोड़नी है। तो मेरी और भी वीडियोस है जिसमें लेफ्ट और राइट का जजमेंट दिखेगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चैनल में जाके। अभी जैसे कि मैं फुट मूवमेंट की वीडियो कर रहा हूँ, आप फुट मूवमेंट मेरा कंप्लीट देख सकते हैं। मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो चल रहा है थ्री व्हीलर ऑटो जो है वो जैसे स्लो मूविंग है, तो मैं जैसे ही अगर अचीव कर लूँगा उसके पास पहुँच जाऊँगा तो मुझे देखिए एक्सीलेटर रिलीज करना पड़ रहा है, हो सकता है ब्रेक भी अप्लाई करनी पड़ जाए। तो अकॉर्डिंगली हम ड्राइव करते हैं, अगर हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी तो हम ब्रेक हल्की सी अप्लाई करते हुए अपनी कार को आगे थोड़ा स्लो डाउन करेंगे या कंट्रोल में रखेंगे। अभी यहाँ देखिए थोड़े से कंजस्टेड लोकेशन आ गई है या मार्केट बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं कि कुछ भी जैसे लोग भी चल रहे होते हैं तो थोड़े से कंजस्टेड लोकेशन है, यहाँ पे हमें जजमेंट ये देखिए किस तरह से लेना होता है। साथ ही साथ मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, क्लच मैंने रिलीज कर दिया है, फर्स्ट गियर में मेरी कार है, लोग चल रहे हैं तो मैं कार को अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ स्लो पेस में। तो अकॉर्डिंगली जैसे ही मेरे को स्पेस मिली है देखिए हल्की से एक्सीलेटर प्रेस किया, अब मैंने क्या है गियर शिफ्ट अप शिफ्ट कर दिया सेकेंड गियर की तरफ। तो इस जगह क्या होता है फ्रेंड्स, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं फुट मूवमेंट हमारा बहुत ज़रूरी होता है और स्पेशली जब हम क्लच का मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्लच का यूज़ ले रहे होते हैं। अभी देखिए यहाँ से फ्री लेफ्ट है तो आराम से मैं
अपना लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे और दोनों के मतलब स्पेस देखते हुए कि कितनी स्पेस है मेरे पास, कितनी लोकेशन में मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को आगे बढ़ा सकता हूं। अभी देखिए राइट में स्पेस है, मैंने इंडिकेटर लगाया और राइट की तरफ आ गया हूं, राइट लेन में हूं, लेकिन मेरे पास स्पेस होगी तो ही मैं आगे स्पीड लूंगा या पिकअप लूंगा। आगे वाली कार अकॉर्डिंगली मूव करेगी तो उस पर ही हम जज करेंगे फ्रेंड्स किस तरह से हम अपनी स्पीड लेते हैं। अब आपने देखा जैसे मैं अपशिफ्ट कर रहा था तो मैंने प्रॉपर क्लच का यूज़ लिया और अपनी कार को आगे मूव करने लगा। अभी देखिए आगे जैसे ट्रैफिक मूव हो रहा है, थोड़ा सा स्लो मूविंग है तो मैं क्या एक्सीलेटर को थोड़ी सी रिलीज़ कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा प्रेस करूंगा फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं ट्रैफिक के अकॉर्डिंग चलूंगा। ट्रैफिक को जैसे ही देखूंगा कि हाँ थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दूंगा। अब मेरे को जैसे आगे जैसे ओपन थोड़ी सी स्पेस मिली तो मैं एक्सीलेटर प्रेस किया और कार को मूव करने लगा हूं। अभी देखिए आगे सिग्नल रेड हो गया, मैंने दूर से नोटिस किया सिग्नल रेड है तो मैंने कार को स्टॉप करने के लिए स्लो पहले किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया, कार स्लो होने लगी। अब मैं ब्रेक अप्लाई करते हुए कार को स्टॉप कर दूंगा। देखिए क्लच प्रेस किया मैंने, न्यूट्रल कर लिया, अब कार को न्यूट्रल करके मैं क्लच को कम्प्लीटली अब रिलीज कर दूंगा। सिग्नल होते ही देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट गियर लगाया मैंने, क्लच देखिए धीरे धीरे छोड़ेंगे, जैसे ही रिलीज करेंगे आगे वाली कार में मूवमेंट आया है तो क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, फिर फुल रिलीज कर दिए। अब सेकेंड गियर लगाया मैंने और आगे जैसे ट्रैफिक मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कार को स्पीड लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम कार में मूवमेंट रखेंगे। और अभी जैसे हम थर्ड गियर लगा लिए हैं और जैसे ही मूवमेंट आ रही है, ये देखिए फ्रेंड्स थर्ड गियर लगा के मैंने पुल कर लिया है। अब शिफ्ट जैसे ही करते हैं तो हमें क्लच को क्या है बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज़ करके फुल जैसे रिलीज़ करना होता है ताकि हमारी कार जो है उसी स्पेस में चलती रहे। अप शिफ्ट करने के बाद क्या होता है, आपको स्पीड मेंटेन करनी होती है, क्योंकि आप जब अप शिफ्ट कर रहे होते हैं क्लच प्रेस करते हैं तो क्लच प्रेस करते ही आपका क्या होता है, हो सकता है कार की स्पीड डाउन आ जाए। अब कार की स्पीड अगर डाउन आएगी तो आप फिर अप शिफ्ट जब करेंगे तो उस गियर के अकॉर्डिंग, जैसे मैं सेकेंड गियर में सपोज चला रहा हूँ, अभी जैसे मैं फिफ्थ गियर में कर लिया हूँ, तो जब मैं सेकेंड गियर में था और मेरे कार की स्पीड लो थी तो उस समय क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही हम लो गियर में होते हैं अप शिफ्ट करने के लिए वो स्पीड में थर्ड गियर, अभी मैं टर्न लूँगा यहाँ से तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको, कि हमारा जब मूवमेंट होता है तो हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारा अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट होता है तो क्लच का यूज़ कैसे होना चाहिए वो चीज़ मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पहले कार जब स्लो डाउन करूँगा उस समय आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या मैं एक्सप्लेन मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे, सिग्नल हो गया है राइट का यू टर्न का। तो फ्रेंड्स जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, सेकंड गियर में अभी हम हैं। अब सेकंड गियर में क्या होता है, हम जब कार को पुल करते हैं, अभी देखिए सेकंड गियर से मैं थर्ड गियर, जब अपशिफ्ट करेंगे तो हम क्लच प्रेस करेंगे, लेकिन अपशिफ्ट करने के लिए एक स्पीड होती है तो क्लच उसी समय प्रेस किया जाता है। अब आप समझ लीजिए सेकंड गियर में हूँ मैं, 20 की स्पीड है, अगर मेरी 30 की स्पीड आएगी उसके बाद ही मैं क्या है थर्ड गियर या अपशिफ्ट कर सकता हूँ 30 की अबव स्पीड होगी। तो अगर मैं 30 की स्पीड में सपोज 30 की अबव की स्पीड आ गई, मैंने क्लच प्रेस किया, क्लच प्रेस करके रखा है, थर्ड गियर लगाते लगाते मेरी कार की स्पीड 20 आ गई तो मेरी कार में जर्क होने लगेगी। तो वो जो जर्क होती है फ्रेंड्स वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करेंगे ताकि कार की स्पीड जो 30 आई है और आपने मूवमेंट जो है, न्यू ड्राइवर्स के लिए स्पेशली कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप जब मूवमेंट करेंगे क्लच का सेकेंड गियर से, अभी देखिए 20 की स्पीड आ गई पहले, ये देखिए 20 की स्पीड से भी नीचे सेकेंड गियर आ गया है मेरे कार में। सेकेंड गियर में जब हम कार को पुल कर रहे हैं, अब हमें जो शिफ्ट करना है, देखिए अब गियर शिफ्टिंग जब करना है आप ध्यान दीजिएगा, सेकेंड गियर से क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर फटाफट लगाते ही क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करके फुल रिलीज कर दिया, ताकि क्या हुआ मेरी कार की स्पीड जो 30 थी ज़्यादा से ज़्यादा 20 आई या 28 होगी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। अगर आप टाइम लगाएंगे क्लच प्रेस करके गियर शिफ्ट करने में, अगर आप टाइम लगाएंगे, न्यू लर्नर जो होते हैं उनको लग सकता है टाइम, क्योंकि आपको शिफ्टिंग में समझ में नहीं आएगा, थर्ड गियर की जगह हो सकता है आप फिफ्थ गियर लगा दें, तो आपको समझने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि सेकंड से थर्ड लगाना है या फोर्थ से फिफ्थ लगाना है, तो वो गियर शिफ्टिंग
उस चीज का आपने ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि जब आप सेकंड से थर्ड कर रहे हैं या फोर्थ से फिफ्थ या जो भी अपशिफ्ट कर रहे हैं, तो अपशिफ्ट के टाइम में आपने इस चीज का एकदम नोटिस रखना है कि आप जब क्लच प्रेस कर रहे हैं, क्लच प्रेस करते ही जब आप रिलीज करेंगे अपनी कार को, अपने क्लच को, तो आपने नोटिस ये चीज रखनी है कि आपकी कार का क्लच आप प्रेस करते ही रिलीज करें, क्योंकि आप अगर प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे, तब तक हो सकता है स्पीड क्या है डाउन हो जाए। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप क्लच का मूवमेंट जब करें, ये देखिए मैंने न्यूट्रल किया था, थर्ड गियर लगाया हूँ, अब वापिस से क्लच को रिलीज किया है ताकि मेरी कार, मतलब फोर्थ गियर से मैंने थर्ड गियर लगाया था, तो मैंने क्या क्लच प्रेस करके थर्ड गियर लगाया फिर रिलीज कर दिया, मेरा मूवमेंट का फुट का मूवमेंट जो है इतना आपने स्विफ्टली करना है कि आपका क्लच प्रेस होगा और आपने शिफ्ट कर देना है गियर। अभी देखिए थर्ड गियर से मैं फोर्थ गियर अप्लाई करूंगा, ये भी थर्ड गियर में हूँ, आगे का बाइक जो चल रही है और 40 प्लस की स्पीड है मेरे कार में। अभी देखिए फोर्थ गियर मैंने अप्लाई किया, अब मेरा क्लच का मूवमेंट देखिएगा, बाइटिंग पॉइंट तक बड़े आराम से लेके आऊंगा, फिर उसके बाद क्या है धीरे से रिलीज कर दूंगा।